मुंबई के सैन कोलिवारा, जेडीवी नगर के गुरु नानक कॉलेज में शिवसेना सांसद राहुल शिवाले के नेतृत्व में पटियाला भांगड़ा नाइट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम सैन कोलिवारा व वराला जेडीवी नगर के सभी सिख समुदाय को जोड़ने के लिए रखा गया था। इस भांगड़ा नाइट के मुख्य आयोजक सांसद राहुल शिवाले थे, जिसमें शिवसेना अफजल वाहतुक सेना के सभी नेता व पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने मौजूद रहकर सहयोग दिया। गड़ा में हम लोग ने भांगड़ा नाइट्स का आयोजन इसलिए किया कि एक आज के दिन सबके साथ खुशियां मनाने का एक मौका आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें मिला है। और इस कार्यक्रम के अवसर पर सैन कोलिवारा और साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी काम हमने किए हुए शिवसेना भाजपा युति के माध्यम से, वो लोगों के सामने रखने का आज का प्रयास था पूरा। यहाँ की जो पंजाबी कॉलोनी हो या MS बिल्डिंग हो, उसी दोनों का पुनर्निर्माण का जो प्रस्ताव बहुत दिनों से प्रलंबित है, तो वो अभी राज्य सरकार और मुंबई महानगरपालिका के माध्यम से हम लोग पारित करने वाले हैं। उसकी जो पॉलिसी है वो अभी फाइनल स्टेज पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कन्वेंस का जो काम था वो अभी पूरा किया गया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कैबिनेट ने तो डिसीजन लिया है कि यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, खुद पुनर्विकास कर सकते हैं, लेकिन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के DCR में प्रोविजन नहीं होने की वजह से यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। तो आने अभी नया जो डेवलपमेंट प्लान पब्लिश हुआ है उसमें नया DCR भी आने वाला है, और नया DCR में इस पुनर्विकास का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कौन सी भी चुनाव हो तो चुनाव में इसके पहले चुनाव में जो हमने वचन दिए, लोगों को आश्वासन दिए, वो उसकी पूर्तता करनी जरूरी रहती है। तो इसके लिए चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले जो जो लोगों को वचन दिए वो हम पूरे कर रहे हैं, और वो वचन जो पूरे किए वो जब भी आचार संहिता और चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो लोगों के सामने रख के उनका आशीर्वाद हम लेंगे, ताकि लोग बोल न सके कि वचन दिया था पूरा नहीं किया। तो हम पूरा काम करके लोगों के सामने आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। लाडले खासदार राहुल जी शिवाले, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया था। स्पेशली भंगड़ा ग्रुप बाहर से यहाँ पर आया था, जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, और गुरु तेग बहादुर नगर के निवासी और आसपास के सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए और सभी ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया, और सभी ने राहुल शिवाले जी को शुभेच्छा दी कि जिस तरह उन्होंने 2014 में राहुल जी का साथ दिया था, और 2019 में भी ज़रूरत है, हमें इस इलाके को ज़रूरत है, इस राज्य को ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है कि इस तरह के यंग एजुकेटेड, समझदार और इजीली एसेसिबल जो खासदार हमें मिले। तो सभी ने मिलके उन्होंने सबका धन्यवाद किया और एक अपील की कि आप आने वाले समय में भी हमें आशीर्वाद देंगे। और सारी जनता ने यहाँ पर, सारे नागरिक जो कि हजारों की संख्या पर यहाँ पर थे, उन्होंने मिल के राहुल जी को आशीर्वाद दिया है, और हमारी शुभेच्छा उनके साथ में है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हमारे क्षेत्र से भारी बहुमत से विजय आएंगे, यही हमारी शुभकामना है। कि जो ये आज पंजाबी कल्चर प्रोग्राम जो खासदार राहुल शिवाले जी ने यार सब रखा था, कि जो सिख समाज का दक्षिण मध्य मुंबई में क्या क्या उनके जरिए पिछले 4.5 सालों में काम हुआ है, वो उनको दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफ़ी लोगों में शंका थी कि हमारे समाज के लिए कुछ हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ हुआ था। जो लंगर में GST माफ़ कराने का जो सबसे पहला प्रस्ताव पार्लियामेंट में राहुल जी लेके आए थे, और वो आपको पता होगा कि पिछले महीने ही उसको अपने जो वित्त मंत्री, उन्होंने वो प्रस्ताव पास कर दिया, और ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो इस इलाके के लोगों को पता नहीं थी। ये मैसेज घर घर तक पहुंचाना था, इसलिए ये सबको एक कल्चरल प्रोग्राम के जरिए सबको बुला के ये प्रोग्राम किया गया। ठीक है, शिवसेना हमेशा से लोगों का काम करती आई है, और लोगों को भी पता है कि शिवसेना के सिवा और कोई यहाँ पर काम नहीं कर सकता। इसके लिए जो जो काम हुए थे उसका वो लोगों तक पहुँचाना, उसका उद्घाटन करना बहुत ज़रूरी था, कि लोगों को पता चले कि क्या काम कर रहे हैं। बाकी आप देखेंगे कि सिवाय शिवसेना के, शिव सैनिकों के, आपको और
पूरे कहीं भी ग्राउंड लेवल पर चले जाइए, कोई भी सामाजिक कार्य कोई भी बाकी पक्ष करता नहीं है, सारे अपने बैठे हुए हैं। अब जागेंगे जाके जब इलेक्शन आई है, पर हमारे लोग इलेक्शन हो या ना हो हमेशा 365 डे ग्राउंड पे रहते हैं। जो ये प्रोग्राम था, ये भांगड़ा का जो हमारा पंजाब का जो फोक डांस है उस पर आधारित था, और उसके सिवा ये पंजाबी कैंप है, और उन्होंने आज 5 साल में राहुल शिवालय साहब ने हमारे लिए बहुत काम किए, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स हैं रिफ्यूजी कैंप की, वो पिछले 20 सालों से उस पर नोटिस लगा था, ये तो 5 साल से आए। इन्होंने कई बार ये संसद में भी इसका मुद्दा उठाया, क्योंकि ये जो है ये राष्ट्रपति लैंड में आती हैं, और ये यहाँ जो कलेक्टर है वो केयर टेकर है, वो मालिक नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने हमारे लिए संसद में भी बहुत बार मुद्दा उठाया, हमें वो अधिवेशन में भी नागपुर लेके गए, सीएम से भी खड़े पांव मिलवाया, तो यहाँ के लोग तो उनके आभारी हैं। ये तो एक पंजाबी कल्चरल प्रोग्राम है, बैसाखी भी नज़दीक है, उस हिसाब से कार्यक्रम भी रखा गया था और लोगों को मिलने का एक अवसर भी था। तो उन्होंने तो 5 साल में कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो आज आए हैं, और नहीं, हर साल हमारे साथ रहते हैं, हर समय हमारे कहने पे आते हैं और हमारे हर काम करते हैं।